ब्राउनली भाई साहब ये कहते हैं कि भैया देखो, किसी भी एटम में ना दो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तीन सेम होते हैं लेकिन चारों सेम नहीं हो सकते। उस दो इलेक्ट्रॉन का एन एन सेम हो सकता है, एल सेम हो सकता है, एम सेम हो सकता है, लेकिन एस की वैल्यू तो डिफरेंट होगी ही होगी, समझो। मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम्हारे घर में दो लोग रहते हो, तुम दो भाई हो, मैं अगर पूछूं कि ये दोनों भाइयों का एड्रेस सेम है, क्या वो सेम स्ट्रीट में रहते हैं? स्ट्रीट सेम होगी, होम सेम है, हाँ, रूम सेम है, हाँ, लेकिन क्या एक ही बेड पे सोते हो? क्या चल रहा है ये? बेड तो अलग अलग देंगे ना बापूजी। तो बेड अलग अलग दे रहे हैं, इसका मतलब उनका क्या, स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो गया। माता लाडला बिगड़ गया वो नहीं है, तो माता लाडला बिगड़ा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की दुनिया में दो बच्चों को अलग अलग बेड दिए जाते हैं। तो ये कहता है कि भैया ऐसा है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, अजीमुथल सेम हो सकता है, मैग्नेटिक सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर तो अलग होगा ही होगा। तो पाउली ये कहता है कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की क्या नहीं सेम हो सकती, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक का प्लस हाफ होएगा तो दूसरे का माइनस हाफ होएगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये तय है। मादा लाडला बिगड़ता नहीं है इत्थे, समझ में आया? तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। पाउली का मतलब ये है कि पाउली ये भी बात बोलता है कि कोई भी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता किसी एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज तो आएगी नहीं, समझ में आ गया? इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है।